ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, ये कंप्लीट, ये जो लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, कोई डाउट है लास्ट क्लास में? तो ये है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन है इथिलीन आयोडाइड का, C2H4I2 है। इसको हम लोग जब लाइट में रखते हैं तो ये C2H4 इथीन में और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या क्या है, ये जो डिकम्पोजिशन हुआ इसके लिए जो रेडिएशन रिक्वायर्ड थी वो 424 नैनोमीटर की लगी थी, और इससे आयोडीन जो फॉर्म हुआ आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स में हुआ, और 41.14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इतना मोलर Na2S2O3 रिक्वायर्ड हुआ आयोडीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये रिएक्शन करी, इससे आयोडीन प्रोड्यूस हुआ। हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितना आयोडीन कितना ये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल से निकल रहा है, तो C2H4I2 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल C2H4 के होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल I2 के होंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरे इतने ही मॉलिक्यूल इसके होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल I2 के होंगे। तो हम क्या करते हैं, I2 को रिएक्ट करवा देते हैं Na2S2O3 से। ठीक है, Na2S2O3 के साथ टाइट्रेशन कराते हैं तो वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोडाइड में कन्वर्ट होने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि कितना I2 उसमें था। I2 को अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे C2H4 पता चल जाएगा, और उतना ही कॉन्सेंट्रेशन में C2H4 I2 भी होगा। तो ये बैक टाइट्रेशन होती है जिससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना आयोडीन था, और जितना आयोडीन होगा उतना ही C2H4I2 रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज 424 नैनोमीटर। मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैं वहीं से दिखाता हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लैम्डा कितना है, 424 नैनोमीटर है। ठीक है, नैनोमीटर को 10 में माइनस मीटर कर दिया मैंने यहाँ पे। टाइम जो रिक्वायर्ड है वो 20 मिनट्स है, और उसको हम लोगों ने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन Na2S2, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.0025 मोलर दे रखी है, दिख ही रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है लाइट की वो 9.15 × 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड। तो ये इंटेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है जूल पर सेकेंड में, मतलब कितनी एनर्जी पर सेकेंड में मिल रही है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पर सेकेंड में है तो टोटल एनर्जी कितनी हुई है उससे हम लोग को पता आराम से पता चल जाएगा अगर मैं उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी जो सोर्स से है वो 19.15 × 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है इसकी। तो क्वांटम एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी फाई होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेड किए हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन अब्सॉर्ब, कितने फोटोन एब्जॉर्ब। तो लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब निकाले थे, कैसे निकाले थे, टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई है और टोटल एनर्जी एक मोल की कितनी एनर्जी होती है उससे डिवाइड करके हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मोल्स मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए। तो पहला हम लोग वही करेंगे। ठीक है, तो पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी कितनी है, 20 मिनट में कितनी एनर्जी यूज हुई है। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी दे रखा है 9.15 × 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 सेकेंड में 9.15 × 10⁻⁴ जूल एनर्जी यूज होती है। ठीक है, और 20 मिनट में कितनी है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 × 20 करके सेकेंड से सेकेंड काटेंगे और हमारी एनर्जी आ जाएगी 1.098 जूल की। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे हम लोगों की इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर मोल। तो एनर्जी पर मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है NaHc बाय लैम्डा। ठीक है, HC बाय लैम्डा से तो
एक फोटोन की एनर्जी आ जाती है और उसके साथ एवोगैड्रो में नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मोल की आ जाएगी। वैल्यू रखेंगे एन ए की वैल्यू क्या है 6.022 × 10²³ पर मोल। एवोगैड्रो नंबर की जो यूनिट होती है वो पर मोल में होती है। एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 × 10²⁴। सी क्या है लाइट कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये 3 × 10²⁸ मीटर पर सेकेंड। सब जो भी यूनिट्स हैं इन सबको काट के हम लोग देखेंगे तो एनर्जी पर मोल कितनी आ गई 2.823 × 10²⁵ जूल पर मोल। ठीक है, तो अब हमें एक मोल की एनर्जी पता है, हमें टोटल एनर्जी पता है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कितने मोल्स ऑफ जो भी लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है, कितने मोल ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट या नंबर ऑफ फोटोन हो गए तो टोटल एनर्जी होगी इंटू एन इंटू रेडिएशन। ठीक है, एक मोल का कितना रेडिएशन और इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा ई टोटल अपॉन ई पर मोल। यहाँ पे मैं रखूंगा और डिवाइड करूंगा तो 3.890 × 10⁻⁶ मोल्स पार्टिकल थे किसके फोटॉन्स के जो कि रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुए। तो 5 में से ऊपर वाला अभी हमें नहीं पता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब कितने 3.890 × 10⁻⁶ मोल। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें C2H4+I2 बना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता तो चलता नहीं है कि ये कितना बना है, ये कितना बना है, ये कितना यूज हुआ है, डीकम्पोज हुआ है, तो हम लोग आयोडीन की टाइट्रेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। आयोडीन का ब्राउन वॉयलेट कलर होता है और टाइट्रेशन करने के बाद आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका जो कलर होता है वो चला जाता है। तो ये थायोसल्फेट है, आयोडीन लिया, आयोडीन को हम लोगों ने आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से हमें ये पता चल सकता है कि कितना आयोडीन है। अगर जितना आयोडीन होगा उतना ही हमारा इथिलीन आयोडाइड भी होगा। ठीक है, क्योंकि एक मोल ऑफ इथिलीन आयोडाइड एक मोल ऑफ I2 प्रोड्यूस कर रहा है। इथिलीन आयोडाइड एक मोल क्या प्रोड्यूस करता है, एक मोल इथिलीन और एक मोल इथिलीन और एक मोल आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितने मोल्स आयोडीन के आएंगे उतने ही मोल C2H4 I2 के भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 2- थायोसल्फेट जो आयन है उसके कितने मोल्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी वॉल्यूम कितनी है। हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखे 0.025 मोल पर लीटर। ठीक है, कितना दे रखा था, एक सेकेंड में पीछे चेक कर दो, मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल पर लीटर दे रखा है। ठीक है, तो उसको क्या किया और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 41.14 × 10⁻³ मीटर क्यूब दे रखे। तो मैंने डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दिया। ठीक है, तो डेसीमीटर को तुम डेसीमीटर भी रख सकते हो और मीटर को तुम डेसीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें कैसे काटनी है। अच्छा, 41.14 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, तो दोनों को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके कर दिया। ठीक है, डेसी मतलब होता है 10⁻¹ और सेंटी होता है 10⁻²। उस तरीके से यूज करके डेसी 10⁻¹ था, क्यूब करेंगे तो -3 आ जाएगा, और सेंटी होता है 10⁻², उसका क्यूब करेंगे तो -6 आ जाएगा। इस तरीके से करके H2O3 2- के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब एक मोल ऑफ आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करें, दो मोल ऑफ H2O3 2- के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आयोडीन कितना प्रेजेंट होगा, इसके तो डबल मोल्स होंगे और इसके हाफ मोल्स होंगे, तो आयोडीन के जितने मोल्स होंगे वही C2H4I2 के भी मोल्स होंगे, और वो क्या होगा H2O3 2- के जितने मोल्स होंगे उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मोल ऑफ आयोडीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दो मोल ऑफ थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर वो दो मोल के साथ रिएक्ट करता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन क्या होंगे, ऑब्वियसली उसके H2O3 2- के हाफ होंगे, तो उसका हाफ हम लोग करके हम लोगों ने निकाल लेंगे कि आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। जितने आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही C2H4I2 के भी मोल्स होंगे। ये करके हमें पता चल गया 0.514 × 10⁻⁴ मोल्स होंगे किसके, C2H4I2। ठीक है, 5 हमारा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4I2 रिएक्टेड, ये रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब निकाल लिया था, दोनों को डिवाइड करेंगे 13.225 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वांटम यील्ड कितनी आ गई 13.225। क्लियर है तुम लोगों को, ओके, कोई डाउट है?
अंजलि समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो देख लेना, कल मुझे बता देना अगर नहीं समझ में आया तो मैं करा दूंगा बाकी, ठीक है। बट कुछ नहीं है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मोल कैसे निकालने वो तो हमें पता ही है। ऋतिका गुप्ता ने शेयर कर दी अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एनर्जी पर मोल निकाली थी वैसे ही निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकाल के नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये वाली इक्वेशन नहीं दे रखी, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इस रिएक्शन को तुम्हें याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह पर यूज होता है। कोई भी रिएक्शन है उसमें आयोडीन इन्वॉल्व है, तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग उसे थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि आयोडीन उसमें कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है। उस तरीके से करके हम लोगों ने इसे निकाल लिया। अब इसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शंस तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि कितने बहुत सारी टाइप के फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें भी लाइट यूज हो रही है, किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन कर ली है या किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए, वो सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन में आती है, चाहे वाइटामिन डी का सिंथेसिस हो या फोटो सिंथेसिस हो, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोग काइनेटिक्स निकालना है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तुम्हें एक फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी होगी, तुम्हें उसका एक मैकेनिज्म दे रखा होगा और तुम्हें फाइनली उसका रेट निकालना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल हम लोग करते हैं पहला, तो एच सी एल कैसे फॉर्म होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एच टू लिया गैस प्लस सी एल टू लिया गैस और इसमें हम लोगों ने एच न्यू डाल दिया। एच न्यू डालने के बाद ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एच सी एल गैस बन गया, ठीक है। तो तुम्हें ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म भी तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है। तो मैकेनिज्म दे रखा है सी एल टू में जब एच न्यू डालेंगे तो ट्वाइस ऑफ सी एल रेडिकल मिलेगा, सी एल रेडिकल प्लस एच टू गिव्स अस के टू, हम लोग केवल लिखेंगे एच सी एल प्लस एच रेडिकल। अब एच रेडिकल प्लस सी एल टू विल गिव यू एच सी एल प्लस सी एल रेडिकल एंड सी एल रेडिकल के फोर हाफ ऑफ सी एल टू में कन्वर्ट हो जाएगा एट वॉल्स। सी एल बहुत सारे सी एल वॉल के कंटेनर की वॉल पे टकरा के एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और वो हाफ सी एल टू दे देंगे, मतलब दो सी एल नेगेटिव रेडिकल मिलके सी एल टू का एक मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तुम्हें बोला जाएगा कि ये एच सी एल का फॉर्म हो रही है और इसका ये मैकेनिज है, ठीक है, और तुम्हें प्रूव करना है कि इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल वो है के आई ए एच टू, ठीक है। इसको तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव करना है यूजिंग दिस मैकेनिज्म, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि इसका जो रेट है वो ये है, अब तुम बताओ कि ये जो मैकेनिज्म है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म सॉल्व करने पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल इतना ही आ जाता है तो ऑब्वियसली ये ठीक है, ठीक है, और अगर ये नहीं आता है तो ये जो रेट लॉ है वो ठीक नहीं है और जो जो भी तुम्हारा आ रहा है वही ठीक है, ठीक है। इसमें जो आई ए है वो क्या है, आई ए इज द इंटेंसिटी ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब, किस इंटेंसिटी से लाइट मारी गई है, मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक की गई है वही है, ठीक है, और उसी के हिसाब से पर सेकंड में उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब।
अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा गया है, तो मैं दूसरा पेन लेता हूँ पहले। रेट क्या है प्लस डी बाई डी टी ऑफ HCl, ठीक है, HCl कितना बन रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टेडी स्टेट लॉ जैसे हम लोग यूज़ करते थे उसी तरीके से स्टेडी स्टेट लॉ यहाँ पे हम लोग यूज़ करना, क्योंकि मैंने तुम्हें काइनेटिक्स में बताया कैसे यूज बनाते हैं। तो अब देखो डी बाई डी टी ऑफ HCl, पहले हमें देखना है कि HCl कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक यहाँ पे, ठीक है, तो एक इस इक्वेशन में बन रहा है HCl और एक इस इक्वेशन में, दोनों ही साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पे है तो हम लोग ये लिखेंगे कि K2Cl रेडिकल H2 प्लस K3H रेडिकल Cl, ठीक है। ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई कि रेट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर HCl प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे साइन प्लस में ही आता है, अगर HCl रिएक्टेड में होता तो साइन नेगेटिव में आता था। तो ये हमारी जो है इक्वेशन वन बन गई है, ये हो गई इक्वेशन वन। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे वी हैव Cl radical and H radical as intermediates, ठीक है। Cl radical और H radical दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और दोनों ही क्या है, इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग रिएक्टेंट की बता सकते हैं कि H2 की कितनी है, Cl2 की कितनी है, लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट की नहीं बताते क्योंकि इंटरमीडिएट जैसे बनता है वैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो विल यूज steady state law to remove intermediates. In intermediates को remove करने के लिए reaction rate law में से हम लोग यही कि rate law क्या होता है, rate law होता है कि reaction कैसे depend करती है reactant की concentration पे। rate law में K दे रखा होता है, reactant दे रखे होते हैं और order दे रखा होता है, उसके अंदर intermediate नहीं होता ना ही product होता है। तो हमें क्या करना है, Cl हटाना है और यहाँ से H हटाना है, ठीक, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या अपना ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, d बाई डी टी ऑफ Cl रेडिकल, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। रेट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl रेडिकल, स्टेडी स्टेट ये बोलता है कि जो Cl रेडिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, जिस स्पीड से वो बनेगा उसी स्पीड से टूट जाएगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl रेडिकल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन Cl, ठीक है, जिस रेट से Cl रेडिकल बनेगा उसी रेट से वो खत्म भी हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, तो अब हमें करना क्या है कि Cl रेडिकल देखना है कौन कौन से इक्वेशन में, और Cl रेडिकल जो जो इक्वेशन में है उन सबको हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो वो ऐड होगा, रिएक्टेंट साइड पे है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो Cl रेडिकल कहाँ है, एक तो इधर इस वाली इक्वेशन में, एक ये वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है, Cl रेडिकल दिख रहा है मुझे, और कहाँ दिख रहा है, एक Cl रेडिकल मुझे यहाँ दिख रहा है, एक Cl रेडिकल मुझे यहाँ दिख रहा है, और एक Cl रेडिकल यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चार इक्वेशन है, 1, 2, 3, 4, चारों के चारों इक्वेशन यूज़ होंगे, इसमें से ये वाला प्रोडक्ट साइड पे है, ये वाला प्रोडक्ट साइड पे है, तो इनके साथ जो साइन होगा वो प्लस का आएगा, और ये जो रिएक्टेंट साइड पे है वहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, Cl2H9K1, ठीक है, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, K1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एच न्यू इन्वॉल्व हो रहा है, एच न्यू, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आई ए, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Cl2 प्लस एच न्यू K1 इंटू 2 Cl रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 IA आ जाएगा,
एच न्यू की क्या है, इंटेंसिटी है आई नॉट, तो इंटेंसिटी हम लोग यूज करेंगे, सी एल टू हम लोग वहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा इंटेंसिटी लिखनी है लाइट की। तो इसको मैं लिखूंगा के वन आई ए। फिर क्या है, ये वाली इक्वेशन प्लस होगी, तो इसमें क्या है के थ्री एच रेडिकल सी एल टू रेडिकल। तो मैं लिखूंगा प्लस के थ्री एच रेडिकल सी एल टू, सी एल टू है ना। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, के टू और रिएक्टेंट लिखे जाएंगे माइनस के टू सी एल रेडिकल इंटू क्या है यहाँ पे एच टू। ठीक है, ये लिखेंगे माइनस, ये वाला है ठीक है, इसमें के फोर सी एल रेडिकल लिखा जाएगा माइनस के फोर सी एल रेडिकल। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई। अब दूसरा इंटरमीडिएट क्या है, दूसरा इंटरमीडिएट क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एच रेडिकल है। अब हमें देखना है एच रेडिकल कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो एच रेडिकल एक इस इक्वेशन में एच रेडिकल है और एक इस इक्वेशन में एच रेडिकल है, तो दोनों इस इक्वेशन में लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे है तो प्लस आएगा और यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे है तो माइनस आएगा, वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या इधर क्या आएगा, के टू इंटू सी एल रेडिकल प्लस एच टू रेडिकल। तो मैं लिख देता हूँ के टू इंटू सी एल रेडिकल एच टू रेडिकल, फिर माइनस आएगा के थ्री एच रेडिकल सी एल टू रेडिकल। ठीक है, के थ्री एच रेडिकल एंड सी एल टू रेडिकल। ठीक है, हमेशा रेट लॉ में रिएक्टेंट होने चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अगर एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमें क्या निकालना है, सी एल रेडिकल और एच रेडिकल की वैल्यू निकालनी है और उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक सी एल क्या है, ये इक्वेशन इक्वेशन वन थी, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन टू और ये वाली होगी इक्वेशन थ्री। ठीक है, अब इक्वेशन इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो डी बाई डी टी ऑफ एच है ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, और ये भी क्या है, जीरो के इक्वल है। तो तुम्हें दिख रहा होगा के टू सी एल एच टू माइनस के थ्री एच सी एल टू जीरो के इक्वल है, और ये यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे के थ्री एच सी एल टू एंड के टू सी एल एच टू। ठीक, इन दोनों की जो वैल्यू है साइन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन साइन अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस कर दिया, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये किसके जीरो के इक्वल आएगा, अभी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ या फिर इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो एडिंग कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव के साइन के साथ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, दोनों का जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे है के वन आई ए माइनस के फोर सी एल रेडिकल इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट में जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा, इससे हमें पता चल रहा है कि सी एल रेडिकल जो है वो किसके इक्वल है, के वन आई ए डिवाइडेड बाय के फोर। तो हमें सी एल रेडिकल की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन थ्री, इसमें हम लोग एच रेडिकल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन इक्वेशन थ्री थर्ड इक्वेशन में करूंगा तो सीएल की रेडिकल कर दूंगा, तो यहाँ पे एच रेडिकल की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि के थ्री एच रेडिकल सी एल टू रेडिकल मतलब सी एल टू इज इक्वल्स टू के टू सी एल रेडिकल एच टू। ठीक, तो एच रेडिकल की वैल्यू क्या होगी, के टू
सी एल रेडिकल की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, के वन आई ए अपॉन के फोर एच टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा है, के थ्री बचा है और सी एल टू बचा है, ठीक है, यही बचा है के टू एंड सी एल टू। तो ये हो गए एच रेडिकल की वैल्यू, तो सी एल की वैल्यू पता चल गई और एच रेडिकल की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में अगर इन दोनों की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो हमारा फाइनल रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एच सी एल क्या है, के टू सी एल रेडिकल एच टू प्लस के थ्री एच रेडिकल सी एल टू, के थ्री सी एल रेडिकल एच टू, ये थी इक्वेशन। मैं फिर से देख लेता हूँ, के टू सी एल रेडिकल एच टू, के थ्री एच रेडिकल सी एल टू, अब सी एल रेडिकल की वैल्यू लिखेंगे, सी एल रेडिकल की जो वैल्यू थी वो थी के वन आई ए अपॉन के फोर, ठीक है, एच टू यहाँ पे आ गया प्लस के थ्री एच रेडिकल सी एल टू, यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, एच रेडिकल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फोर, के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फोर एच टू, फिर इसको डिवाइड करें के थ्री सी एल टू डिवाइडेड बाई के थ्री सी एल टू। अब ये इधर भी है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, के टू के वन आई ए के फोर एच टू प्लस के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फोर एच टू, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस हो जाएगा, आई ए एच टू इंटू के टू के वन अपॉन के फोर, ठीक है। नाउ के वन के टू के फोर एंड टू ऑल आर कॉन्स्टेंट, सारे क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे तो सेम ही बन जाएगा, मतलब एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है रेट डी बाई डी टी ऑफ एच सी एल कितना आ रहा है, के लिख देंगे, टू को मैं पीछे लिख देता हूँ, ये सारा मिलके क्या बन गया, एक नया K बन गया कॉन्स्टेंट, इसको K I A H2 लिखते हैं, ठीक है, वेयर K इज इक्वल्स टू K1 K ट्वाइस ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाय K4, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो रेट है वो किसके इक्वल है, K I A H2, ठीक है, यही हमें पूछा गया था, के आई ए एच टू के है या नहीं है रेट, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये उसी के इक्वल है। ठीक है, समझ में आया, ये किसी को कोई डाउट, हाँ बताओ क्या डाउट है, आगे समझ, तो बस सारा मैथमेटिक्स है इसमें, कुछ वो नहीं है, सिंपल अलजेब्रा टाइप्स है, सिर्फ एक इक्वेशन को दूसरे में डालना है, दूसरे इक्वेशन को तीसरे में डालना है, और ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली पूछने के लिए, ठीक है। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि इसका निकालो, आई ए एस के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, जो मेन मेन्स होता है उसमें, तो बड़े बड़े उस पेपर्स में इसको पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी है और इसमें कैलकुलेशन काफ़ी होती है,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जो दूसरा है वो एच बी आर का, फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर। कि एच बी आर का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एच बी आर का फॉर्मेशन जैसे ये था वैसे ही होगा, ठीक है। एच टू प्लस बी आर टू, इसमें एच नहीं डालेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एच बी आर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म दे रखा है वो दे रखा है बी आर टू इस, ये एच न्यू आएगा, एच न्यू आ रहा, K1 ट्वाइस ऑफ बी आर रेडिकल, फिर एच रेडिकल प्लस बी आर टू, एच रेडिकल बना लिया, बी आर रेडिकल प्लस एच टू एच बी आर प्लस बी आर रेडिकल। अब बी आर रेडिकल फिर एच बी आर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो ये दे रखा है, तुमसे मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, तुमसे बस ये बोलेंगे ये मैकेनिज्म दे रखा है, इसको वेरीफाई कर दो कि ये जो मैकेनिज्म दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है, या फिर ये पूछ लेंगे कि जो रेट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि डिटरमाइन द रेट लॉ, इसका जो रेट लॉ है वो फाइंड आउट करो कि क्या है। तो इसको रेट लॉ फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर निकालना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एच बी आर निकालना है। अब एच बी आर को देखना है वो कौन सी साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे होगा तो हम लोग प्लस लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे होगा तो माइनस में लिखेंगे। तो एच बी आर कहाँ कहाँ पे है, एक एच बी आर यहाँ पे है, एक एच बी आर यहाँ पे है और एक एच बी आर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेशन है और ये वाला डिकम्पोजिशन है। तो पहले फॉर्मेशन लिखते हैं, के टू बी आर रेडिकल एच टू प्लस के थ्री एच रेडिकल बी आर टू माइनस के फोर एच रेडिकल एच बी आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर, ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि दो इंटरमीडिएट है, एक इंटरमीडिएट है बी आर रेडिकल एंड एक इंटरमीडिएट है एच रेडिकल, ये दोनों क्या है इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट रेट लॉ में प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। रेट को डिटरमाइन इंटरमीडिएट नहीं कर सकते, तो इनको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाना पड़ेगा तो हम लोग बी आर देख सकते हैं, काफ़ी जगह पे बी आर है, काफ़ी जगह पे एच रेडिकल है, इनको देख के फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू जो भी आएगी उनको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो ऑन अप्लाइंग स्टेडी स्टेट लॉ, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ इंटरमीडिएट, दोनों इंटरमीडिएट पे स्टेडी स्टेट लॉ निकाल लगाएंगे तो क्या वैल्यू आती है इसको हमें देखना है। तो पहले हम लोग करते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी आर रेडिकल,
ये तो आगे पहले के वन आई के, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, अब बी आर यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, ये आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, तो पहले सेकेंड वाला लिखते हैं के टू बी आर रेडिकल इन टू एच टू माइनस में, माइनस के टू बी आर रेडिकल एच टू, ठीक है। के थ्री के लिए प्लस था, के फोर के लिए प्लस था और के फाइव के लिए माइनस, ठीक है। के थ्री का देखते क्या आएगा, के थ्री प्लस में एच रेडिकल प्लस बी आर टू, एच रेडिकल प्लस बी आर टू, के फोर भी पॉजिटिव है, एच रेडिकल एच बी आर, एच रेडिकल एच एच बी आर माइनस के फाइव, बी आर रेडिकल का होल स्क्वायर, दो बी आर रेडिकल थे तो दोनों बी आर रेडिकल आएंगे, फिर उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब सिमिलरली हम लोग डी बाई डी टी ऑफ एच रेडिकल निकालेंगे, तो एच रेडिकल के लिए कम इक्वेशन है, लेट्स सी कौन कौन सी इक्वेशन है, इसको मैं हटा रहा हूँ। एच रेडिकल इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, एच रेडिकल इसमें है और इसमें, ये आएगा नेगेटिव राइट हैंड साइड पे, ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो के टू बी आर, हाँ के थ्री में रहे दोनों राइट हैंड साइड पे, तो पहले तो के टू आएगा, के टू बी आर रेडिकल एच टू रेडिकल जो ऊपर वाला वही आएगा, बस साइन देखना है हमें। फिर था माइनस में, दोनों माइनस में थे, ये और ये सेम ही आएगा फिर, क्योंकि तो हमेशा हम लोग रिएक्टेंट ही लिखते हैं, बस हमें साइन देखना है। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में ये वाली टर्म, ये वाला पूरा टर्म के थ्री के फोर, ये तीन टर्म्स जो है वो कॉमन है, और साइन देखो यहाँ पे के टू का पॉजिटिव है, इन दोनों का नेगेटिव है, यहाँ पे के टू का नेगेटिव है, इन दोनों का पॉजिटिव है, मतलब एक ही बात हो गई, ये भी टोटल का टोटल कितना है, जीरो को इक्वल है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये के टू वाला के टू से कट जाएगा, के थ्री वाला के थ्री से कट जाएगा, के फोर वाला के फोर से कट जाएगा, एंड वील गेट के वन आई ए माइनस के फाइव बी आर का होल स्क्वायर, बी आर रेडिकल था इज इक्वल्स टू जीरो। तो इससे हमें बी आर रेडिकल हमें बहुत आराम से मिल गया, बी आर रेडिकल इज इक्वल्स टू के फाइव, के वन आई ए, इसको मैं प्रोडक्ट साइड पे ले आया, तो के वन आई ए डिवाइडेड बाय के फाइव और इसका इन सब का अंडर रूट, तो बी आर रेडिकल का हमें वैल्यू निकलेगी के वन आई ए डिवाइडेड बाय के फाइव, सिंपल, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है एच रेडिकल की, तो यहाँ पे बी आर रेडिकल है, यहाँ एच रेडिकल है, यहाँ पे एच रेडिकल है, तो बी आर की वैल्यू पुट करके मैं यहाँ से निकाल ही सकता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों को प्रोडक्ट साइड पे लिख के जाता हूँ, तो ये आएगा के टू, दूसरे पेन से यूज करता हूँ, के टू बी आर रेडिकल एच टू इज इक्वल्स टू, यहाँ से एच रेडिकल मैंने कॉमन लिया, के थ्री बी आर टू
प्लस के फोर एच बी आर। तो एच रेडिकल की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। के टू इसका बी आर रेडिकल की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो के वन आई ए अपॉन के फाइव रेस्ट टू पावर हाफ इंटू एच टू डिवाइडेड बाय के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें एच रेडिकल की वैल्यू भी हमें पता चल गई, ठीक है। अब एच रेडिकल की वैल्यू और बी आर रेडिकल की वैल्यू दोनों का अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना जो रेट हम लोगों ने निकाल लेता, ठीक है। आगे आई थिंक स्लाइड नहीं है तो मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे K2, K3, K4 ये है, तो d by dt of HBR is equals to K2 BR radical H2 प्लस के थ्री एच रेडिकल बी आर टू माइनस के फोर एच रेडिकल एच बी आर। ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें हम लोगों ने बी आर रेडिकल और एच रेडिकल की वैल्यू लिखनी है, तो के टू बी आर की तो बहुत सिंपल सी वो थी आई ए अपॉन के फाइव के वन आई ए अपॉन का तो हाफ हो गया और ये बचा एच टू प्लस एच रेडिकल में यहाँ पे कॉमन लेता हूँ ये बचेगा के थ्री बी आर टू माइनस के फोर एच बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे एच रेडिकल की वैल्यू रख देता है एच रेडिकल की वैल्यू है के टू के वन आई के फाइव के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फाइव इसका हाफ एच टू डिवाइडेड बाय के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में K3 माइनस अगर ये दोनों का साइन सेम होता तो कट जाते हैं और ये टू ओ के इक्वल आ जाता, बट चलो एनीवेज कुछ नहीं कर सकता। ओके इसको इसको कॉमन लेते हैं के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फाइव हाफ एच टू कॉमन लिया यहाँ पे वन बचेगा और इसको फिर वो एलसीएम कर दिया प्लस के थ्री बी आर टू माइनस के फोर एच बी आर डिवाइडेड बाई के थ्री ये जाएगा टू इधर आएगा तो ट्वाइस ऑफ के टू के वन आई ए डिवाइडेड बाई के फाइव
हाफ इंटू एच टू इंटू के थ्री बी आर टू माइनस के फोर एच बी आर डिवाइडेड बाय के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया एच बी आर का जो भी वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, बट करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, इसी टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुम्हारा, बट अगर बाय चांस कभी आता है या कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो बैक फिल की तुम कर पाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, करके देखोगे तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज है एक छोट, हाँ बोलो। सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से बोलो क्या कह रही थी। हाँ हाँ अच्छा, ये K1 वाले मैच फर्स्ट वाली इक्वेशन में बोल रहे? नहीं नहीं उसमें रिएक्टेंट नहीं लिखता, उसमें सिर्फ इंटेंसिटी लिखता है लाइट की। K1IA ही लिखना है। ठीक है, चाहे रिएक्टेंट कुछ भी हो वो नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा या फिर लाइट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट जो फोटो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें वो पहला स्टेप लाइट पे ही डिपेंड करता है, तो हम लोग सिर्फ लाइट ही लिखते हैं। बी आर टू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, कुछ भी हो सकती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो एक बार ये चैप्टर देख लेना। ठीक है, मैं मेरे पास जो मेरे नोट्स लिखे हैं, मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो मैं अपडेट कर दूंगा सबका, एक साथ फोटो खींच के पीडीएफ बना दूंगा। ये तो है ही, ठीक है, इसमें सारा पूरा का पूरा चैप्टर है ही, और एक जो मैंने अपने हाथ से लिखा है वो भी मैं फ़ोटो खींच के तुम्हें डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बुक्स हैं फोटो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जैसे KL कपूर है, पूरी शर्मा पठानिया है, ये 27 MB की है या 8 MB की है। ठीक है, तो मैं ये वहीं पर ही अपलोड कर दूंगा तुम्हारी क्लासरूम पे। ठीक है, चेक कर लेना। और फिजिकल की बुक है, इसमें और भी सारी बुक्स मतलब चैप्टर्स होंगे, तो देख लेना, ई बुक तुम्हारे काम आ जाएगी। और बस इतना ही है। ठीक है, आज तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, कैटालिसिस में भी हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके काइनेटिक्स जो है वही निकालनी है। ठीक, तो इसका सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा करा दिया है। इसके अलावा पुराने प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन अलग से आया होगा तो मुझे बता देना, मैं वो भी करा दूँगा सिलेबस के अलावा जो भी आया होगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।